बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप गोल्डन प्रॉपर्टी मार्केटिंग देख रहे हैं और मैं हूं मोहसिन इकबाल। ये मेरे पीछे आपको जो घर नज़र आ रहा है, ये 10 मरले का LDA अप्रूव एरिया में पार्क सिटी लाहौर के टोपाज ब्लॉक में घर है और बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। इसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी बड़ी शानदार है। 6 बेडरूम है इसके अंदर और 7 वाशरूम है। इसके अलावा 2 किचन है। ये इसका स्ट्रीट व्यू है। इसमें गैस भी है इस ब्लॉक में, बिजली पानी सब कुछ अवेलेबल है और ये फर्स्ट राउंड अबाउट के करीब है। पार्क भी इसके करीब है वॉकिंग डिस्टेंस पे। इसके अलावा मस्जिद और कमर्शियल एरिया वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे मौजूद है। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 4 करोड़ इसकी डिमांड है और बड़ा A+ क्वालिटी का घर बना हुआ है। इस यहाँ पे ये देखें लोगों की रिहाइशें हैं। ये आबाद एरिया है, पुराने ब्लॉक हैं ये, पार्क सिटी लाहौर का टोपाज ब्लॉक, और गैस भी इसमें अवेलेबल है। तो चलते हैं इस घर का आपको अंदर से विजिट करवाते हैं। ये जी देखिए इसका फ्रंट एलिवेशन मॉडर्न स्टाइल में बना हुआ है। 10 मरला है ये, 35x65 इसकी पैमाइश है। ये बाहर एक छोटा सा लॉन है और ये देखिए लोगों ने यहाँ पे रिहायशें रखी हुई हैं। बड़ा ज़बरदस्त घर बना हुआ है, खुला डुला, वेंटिलेशन बड़ी ज़बरदस्त की हुई है इसकी। ये 2 गाड़ियों का कार पोर्च है, यहाँ पे 2 गाड़ियाँ ईजिली पार्क हो सकती हैं। और इसके अलावा ये राइट साइड पे भी आप अपनी बाइक्स वगैरह या आप इसे गार्डन भी बना सकते हैं, सिटिंग एरिया भी कर सकते हैं। सॉलिड वुड के इसके डोर हैं, ये देखिए सॉलिड वुड के डोर हैं इसमें। अब स्टार्ट करते हैं हम ड्राइंग रूम से। ये इसका ड्राइंग रूम है जी, ये देखिए 3D वॉलपेपर, सीलिंग का डिज़ाइन और फ्लोरिंग टाइल लगी हुई है। और ये TV लाउंज को पोर्टेबल डिवाइड किया हुआ है, इसे आप खोल भी सकते हैं इस सेपरेशन को और इसे आप बंद भी कर सकते हैं। ये ड्राइंग रूम है ये देखिए, और ये TV लाउंज है। इसे आप एक हॉल भी बना सकते हैं, आप सेपरेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जी इसका किचन है, ओपन किचन, ये देखिए किचन भी खुला डुला है और हवादार है। ये इसका किचन ग्राउंड फ्लोर का, वुड वर्किंग भी बहुत ज़बरदस्त हुई है इसकी, वाइट कॉम्बिनेशन में ब्लैक सिल और इलेक्ट्रिक चूल्हा और हुड भी इंस्टॉल है। विंडो है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। इसके अलावा ये डोर जो है ये राइट साइड पे स्ट्रीट की तरफ ओपन स्ट्रीट जो है उसमें खुल रहा है, तो वेंटिलेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बेडरूम दिखा देता हूँ। ये बेडरूम है जी, हर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम और वार्डरोब है और मीडिया वॉल भी है। ये 3D वॉलपेपर, इसके साथ ये कबट, वार्डरोब और ये अटैच वॉशरूम। और बड़ी सी विंडो वेंटिलेशन के लिए, इस घर में वेंटिलेशन बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। इसके अलावा एक ये बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम हैं, दोनों के साथ अटैच वॉशरूम है, दोनों में सेपरेट वार्डरोब्स हैं, कबर्ड्स और ये इसका वॉशरूम। हाई क्वालिटी का घर बना हुआ है ग्रंटेड। इसके अलावा ये एक छोटा सा स्टोर है, ये देखिए यहाँ पे शेल्फ भी डाली हुई है स्टोर के लिए। तो ये इसका 360 व्यू एक दफा फिर मैं आपको दे देता हूँ। ये इसका ड्राइंग रूम है, ये ओपन किचन, ये इसका TV लाउंज और इसके साथ ही 2 बेडरूम, एक ये है और एक ये है और एक छोटा सा स्टोर है। तो अब हम जा रहे हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे। एक ये भी डोर है राइट साइड पे, जो इसकी स्ट्रीट है ओपन, वहाँ से एक्सेस है आप स्टेयर्स के लिए, ताकि अगर आपने सेपरेट करना हो फ्लोर को तो आप उसे सेपरेट भी कर सकते हैं। ये सीढ़ियों में मार्बल देखें, बड़ा ज़बरदस्त और हाई क्वालिटी का यूनिक स्टाइल में लगा हुआ है। पूरा घर बहुत ज़बरदस्त है, स्टील की स्क्रीलिंग है। फर्स्ट फ्लोर पे पहले मैं आपको इसका टेरेस दिखा देता हूँ, जो काफ़ी खुला डुला है और यहाँ से आप स्ट्रीट व्यू भी ले लें। ये देखिए ये तकरीबन पैक एरिया है, साथ घर भी बन रहे हैं। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम है, तीनों के साथ अटैच वॉशरूम और एक किचन। ये स्ट्रीट की तरफ बेडरूम और ये बड़ी सी कबट, इसके साथ ये मीडिया वॉल और ये अटैच वॉशरूम।
वॉशरूम में सेंट्री भी बड़ी ज़बरदस्त और हाई क्वालिटी की इंस्टॉल है। इसके बाद जनाब ये देखिए, ये इसका टीवी लाउंज काफ़ी खुला डुला है, और इसकी सीलिंग का डिज़ाइन 3D वॉलपेपर के साथ और सेम ओपन किचन जैसे ग्राउंड पे है वैसे। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और वेंटिलेटेड है, यहाँ पे वो हीट अप नहीं होगा ये ऐसे और इस तरह से। इसके साथ भी डोर है जो एक छोटी सी टेरेस की तरफ खुलता है ताकि हवादार रहे। इसके बाद ये बेडरूम है जी, ये चौथा बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ इस घर का। इसमें भी मीडिया वॉल और 3D वॉलपेपर, इसके साथ कबर्ड्स, वार्डरोब और अटैच वॉशरूम, और इसके साथ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पांचवा बेडरूम। टोटल 6 बेडरूम है इस पूरे घर में और काफ़ी खुले डुले मास्टर बेड हैं इसके पास। इसी में अंदर भी है कबट बड़ी सी और बड़ी सी विंडो वेंटिलेशन के लिए, इसके साथ अटैच वॉशरूम। अब जा रहे हैं जी हम सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे भी एक बेडरूम और एक स्टोर है, वहाँ पे सर्वेंट रूम है। ये अपस्टेयर सेकंड फ्लोर की, और ये मार्बल देखें बड़ा यूनिक स्टाइल में यूज किया हुआ है। एक ये सर्वेंट रूम है, ये देखिए इसके साथ भी कबट है और अटैच वॉशरूम। उसके अलावा ये एक डर्टी किचन स्टोर टाइप भी बना सकते हैं आप। और ये बड़ी सी छत है जहाँ पे मार्बल सारा लगा हुआ है, काफी खुली डुली और बड़ी छत है। ये इसका जी कमर्शियल एरिया है, वो जो हाइट्स आपको नज़र आ रही हैं वॉकिंग डिस्टेंस में है, वो सामने भी वाइट कलर का ये कमर्शियल एरिया है, और ये सेकंड राउंड अबाउट के करीब है। इस घर की डिमांड है 4 करोड़ रुपए। स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप इसे लाइव विज़िट करने के लिए और मज़ीद मालूमात के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।